पना गजीनो के आर्मी दिन के हवाले से ये इक्तिबास लैलूमा से है। अब सब कुछ समझ है लेकिन मुझे नहीं पढ़ सकती। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे इतना बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया स्कूल में। वो मेरे लिए जो खुद कमाती मेरे लिए अब किसी और का मदद कर दी वही मेरे लिए खुशी का है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे किसी के मोहताज नहीं। वो दिन याद है जब मेरे बेटी पहली बार अपने तनख्वाह लेकर आए। शायद वो जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था उसके बाबा का और मेरा भी। मुझे तो पढ़ने में बहुत शौक था। अभी तो मैं पढ़ना चाहो तो पता नहीं सीख भी सकूंगी या नहीं। पना गजीनों के इस आलमी दिन पर याद रखें कि पना गजीन महारत काबिलियत और ख्यालात के साथ आते हैं। इन्हें अपनी सलाहियत दिखाने का मौका दें। ये इंटरव्यू UNHCR द UN रेफ्यूजी एजेंसी और द सिटीजंस आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के जरिए लाया गया है। पना गजीनों के आर्मी दिन के हवाले से ये इक्तिबास गुल अफरोज से है। रबता तो मेरे उधर अफगानिस्तान के सिर्फ बेटियों के साथ रबता है और मेरे कोई किसी रबते नहीं किसी को मेरे उधर कोई भी नहीं किसके रबता करूँ। जरूर बच्चे का औलाद ना उस खातिर से तरह से फोन में रबता है बस और कुछ भी नहीं। मेरे ख्वाहिश तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपनी वतन वापस जाऊँ। ये ख्वाहिश मेरा नहीं कि मेरे दो बच्चे हैं मैं उधर क्या करूँ जाऊँ। मर्द नहीं है लड़ाई हो जाएगी मैं क्या करूँ। दो बच्चे के साथ जवान बच्चे के साथ मेरा गुजारा मुश्किल होती है उधर। पना गजीनों को हमारी यकजहती के अब से पहले ज्यादा जरूरत है। आने वाले वक्त में इन्हें हिफाजत और तहफ्फुज़ की जरूरत है। तवील मुद्दत में इन्हें जंग के खात्मे की जरूरत है। ये इंटरव्यू UNHCR द UN रेफ्यूजी एजेंसी और द सिटीजंस आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के जरिए लाया गया है। पना गजीनों के आर्मी दिन के हवाले से ये इक्तिबास हाजी मोहम्मद सैलम से है। वो उस पर जुबान पर दे फर्क लागली छ मिसाल आल तक का मिसाल या पख्तो या फारसी दे दो वो दिल त दया हम पंजाबी इज द कड़ा या उर्दू इज द कड़ा है दादवा चलोर जब दु इज द करी पदे के जख खुशहाल है व या जब ई दरता या तुर तो सरा दा कदवा जब तज दवल रे दवा तुर का चलोर चलोर तुर का लस जब इज दवल रे नु लस तुर तो सरा दा दा जब देर खुश आए दा पूछ भी दा मुजजा दा दा जब जब ډیر ښه شایده سړی له هر کلاو مشکلاتونه خلاصوي ته خپل هغه ضمیر خپل هغه زړه هغه تکته وړاندې کولی سي. پناه گزینو کے اس عالمی دن پر یاد رکھیں کہ پناہ گزین مہارت قابلیت اور خیالات کے ساتھ آتے ہیں. انہیں اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع دیں. یہ انٹرویو UNHCR دا UN ریفیوجی ایجنسی اور دا سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کے ذریعے لایا گیا ہے. पना गजीनों के आर्मी दिन के हवाले से ये इक्तिबास इनायत उल्लाह शम्स से है। कल कल दिमाग झड़ा राजी जो जाड़म कल कल जान सरा जाड़म खाश माम पढ़ाई कवल माम डिग्री या मास्टरी मा रावड़ल जानता अफसोस दा दमांग खाबुना अधोरिया पाते शो निमाई पाते शो नो दा दमा स्टोरी दे दा दमा या जिले दर्द दे जितास्त बयान कहूँ मा जिन्ने गौड़ा मसे दमा मशुमानम دماغون در جوان تیر که زغار مصاب دماغ ما شما روشن فکر جامعه تراشی دوی چه پڑاییو کی دوی چه ازدهو کی. پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر یاد رکھیں یکجہتی کا مطلب ہے اپنے دروازے کھلے رکھنا اور ایک ایسی دنیا کے لیے مل کر کام کرنا جہاں پناہ گزینوں کا خیر مقدم کیا جائے. یہ انٹرویو UNHCR دی UN ریفیوجی ایجنسی اور دی سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کے ذریعے لایا گیا ہے. पना गजीनों के आर्मी दिन के हवाले से ये इक्तिबास खैरुल्लाह के इंटरव्यू से है। مطلب وزیر دفاع کھڑی دی پاکستان پناہ گزینوں کو ہماری یکجہتی کے اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. آنے والے وقت میں انہیں حفاظت اور تحفظ کی ضرورت ہے. طویل مدت میں انہیں جنگ کے خاتمے کی ضرورت ہے. یہ انٹرویو UNHCR دا UN ریفیوجی ایجنسی اور دا سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کے ذریعے لایا گیا ہے.